हिंदुस्तान मुल्क पुरानी तहजीब अदब और रंग बिरंगे त्योहारों का जखीरा अपने अंदर समाये हुए जी रहा है। हर इलाके और खित्ते की तहजीब और तौर तरीकों को वहां के बाशिंदों ने एक मखसूस फन की शक्ल में जिंदा रखा है। कहीं पेंटिंग्स के जरिए तो कहीं नाच गाने के जरिए, और यही फनून पूरे आलम में हमारे मुल्क की पहचान बनाए हुए हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम सुनहरे हाथ में हम आपका तारुफ हिंदुस्तान के ऐसे ही नायाब फनून और उनके माहिर फनकारों से करवाएंगे। इसी ख्याल के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हुए दिल्ली शहर का रुख करते हैं। दिल्ली शहर तहजीब अदब और बदलते मौसमों का एक ऐसा आंगन है जहां मुल्क के हर खित्ते से आए अफराद को अपने ख्वाबों की ताबीर मिलती है। दिल्ली शहर में ख्वाब बिकते भी हैं और खरीदे भी जाते हैं। यहां फन की नशोनुमा होती है तो साथ ही दिल्ली फनकारों की कद्रदान भी है। दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में वाकई ये छोटा सा घर मिथिला शहर की मकबूल मिथिला फनकारी का एक जिंदा नमूना है। बाहर से ईंट पत्थर का एक मामूली सा दिखने वाला घर अगर अंदर से देखा जाए तो एक अलग ही कहानी बयान करता है। इस घर की दीवारें बहुत पुरजोशी से मिथिला शहर की रंग बिरंगी तहजीब से मुतारिफ कराती हैं। राम और सीता की शादी का मंजर हो या होली के रंग, हिंदू माइथोलॉजी के एक एक पहलू से रूबरू कराता कल्प वृक्ष हो या फिर गांव के किसी बाजार की चहल पहल, इस घर की दीवारों पर मिथिला फनकारी की शक्ल में जिंदा सांस लेती नजर आती हैं। हमारी आज की मेहमान फनकारा मोहतरमा मनीषा झा को भी इस शहर ने उनकी छोटी उम्र से ही आसरा दिया और यहीं उनके फन की नशोनुमा हुई। मोहतरमा मनीषा झा की पैदाइश बिहार के राघवपुर गांव में हुई। फिर तालीम हासिल करने के लिए उनके वालिदैन उन्हें और उनकी दो बहनों को दिल्ली ले आए। यहां मनीषा झा ने बुनियादी तालीम हासिल की लेकिन अपनी मिथिलाई जड़ों से रिश्ता बनाए रखा। फिर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन वल्लभ नगर गुजरात से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की, जो मिथिला फनकारी उन्होंने बचपन में अपने बड़ों से सीखी उसे उन्होंने अपने काम के जरिए जिंदा रखा। मनीषा झा ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर मिथिला फनकारी को खूब फरोग दिया और आज भी इसके हक में ही काम कर रही हैं। कम उम्र में शादी होने के बाद भी आपने इस फनकारी की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। अपने घरेलू और बाकी जिंदगी में बेहतरीन तवाजुन बनाए रखते हुए कुछ ही वक्फे में उस मकाम पर पहुंची जहां पहुंचने में आमतौर से एक उम्र लगती है। साल 1998 में आपने अपनी पेंटिंग्स की पहली नुमाइश लगाई जिसे फन के कद्रदानों ने खूब सराहा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आर्किटेक्ट्स, हम तीनों को ये नेचुरली आता है। वो मतलब कभी ऐसा मुझे याद नहीं होगा कि मैंने ज़बरदस्ती इसको बैठ के सीखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी होता था तो हम लोग बनाते जाते थे, ऐसे ही सीख गए। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड द कल्चर, वी वर ब्रॉट अप वेरी रूटेडली। तो अब मुझे एहसास हुआ
कि मुझे तो गांव के लोगों से भी ज़्यादा आता है. सो फिर मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक एंड कीप माई ट्रेडिशन यू नो रूटेड. एक्चुअली हम लोग जिस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, हमारी मदर पेंट करती थी, करती हैं अभी भी, हमारी दादी भी पेंट करती थी, तो हम लोग बचपन से उनको देखते देखते सब सीखे और उनको मदद भी करते थे. पहले वो लोग अल्पना लगाते थे या दीवार पे करते थे, तो उनको मदद करते करते हम लोग सब आर्टिस्ट हो गए. मधुबनी फनकारी की शुरुआत मिथिला शहर से हुई, इसलिए इसे मिथिलाई फनकारी भी कहा जाता है. पुराने वक्त में मिथिला शहर की औरतें मिथिला फनकारी का इस्तेमाल घरों को सजाने और किसी खास मजहबी या रिवायती तकरीब के मौके पर घर की आराइश के लिए किया करती थीं। ये नफीस और खूबसूरत फनकारी मिथिला की औरतों तक ही महदूद रही. मधुबनी फनकारी आमतौर पर हिंदू मजहब के देवी देवताओं और हिंदू मजहबी तकरीबात के मंजर दिखाती है. इस फनकारी में पेड़ पौधे, जानवर और कई दीगर कुदरती अनासिर की छाप मिलती है. भगवान राम और सीता की शादी का मंजर खूबर कहलाता है. कुदरत के मुख्तलिफ अनासिर को नजरबंद करती पेंटिंग कल्प वृक्ष कही जाती है. हालांकि ये एक कदीम फन है, मगर इसको शोहरत मिले अभी चंद सालों का ही वक्फा गुजरा है. इस आर्ट का माइथोलॉजिकली मेंशन है रामायण में कि सीता जी के विवाह के समय राजा जनक ने अपनी पूरी प्रजा को बोला था कि आप सब जगह दीवारों पे डेकोरेशन जैसे पेंटिंग किया जाए. तो सब उस समय पे इसका मेंशन है कि ये पेंटिंग बनाई गई थी. और वैसे अगर अभी के समय में देखा जाए तो 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया. उस समय हम लोग ब्रिटिश राज्य में के अंदर थे, तो एक WG आर्चर करके बहुत बड़े एक सर्वेयर थे ब्रिटिशर, उनको भेजा गया इलाका का सर्वे करने के लिए कि कितना क्षतिग्रस्त हुआ है. तो वहाँ जब वो गए तो ये टूटी हुई दीवारों के पीछे उनको बड़ा अच्छे चित्रकारी दिखी, बहुत कलरफुल और एकदम अद्भुत, मतलब कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी. तो उन्होंने उस टाइम उसके फोटोग्राफी की और वो वापस दिल्ली आए और उन फोटोग्राफ्स को उन्होंने लंदन में एग्जिबिट किया, लंदन म्यूजियम में दिखाया. तो पहला उसका डॉक्यूमेंटेशन वही रहा. फिर हम लोग तो अपने फ्रीडम फाइट में बिजी हो गए और करते करते जब हम लोग फ्री हो गए और उसके बाद फिर से 1965 में बिहार में बहुत बड़ा ड्राउट आया. तब हमारी सरकार को याद आया कि आर्चर ने कुछ डॉक्यूमेंट किया था, तो उन्होंने देखा कि हाँ इस जगह पे चित्रकारी बहुत फेमस है. तो उन्होंने एक आर्टिस्ट थे भास्कर कुलकर्णी, मुंबई के थे, उनको भेजा कि तुम जाओ और देखो इसमें क्या कर सकते हैं. तो कुलकर्णी जी आए तो किसी तरह कुछ लोगों को कन्विंस करा के उन्होंने कुछ महिलाओं से बातचीत की तो, और कागज़ दिया, हैंडमेड पेपर दिया, और पुपुल जयकर जी ने ये भेजा था उनको. तो कागज़ पे उन्होंने महिलाओं को कहा कि जो चित्रकारी आपने दीवार पे बनाई है उसको कागज़ पे उतार पाए. तो उसमें से 5 महिलाएं सामने आई जिसमें से बहुत प्रसिद्ध है सीता देवी, जगदम्बा देवी और बाद में बउआ देवी, इन लोगों ने बनाया. और तब ये चित्रकारी दीवार से कागज़ पे आई और कागज़ मधुबनी टाउन जो था वहाँ से चला दिल्ली के लिए, इसलिए मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस हो गया इसका नाम. मनीषा झा ने आला तालीम हासिल करने के बाद अपनी 2 बहनों पूजा और वंदना के साथ मिलकर एक ऐसे इदारे की शुरुआत की जहां मधुबनी फनकारी की खिदमात और नशोनुमा को अंजाम दिया जा सके. मधुबनी आर्ट सेंटर के नाम से इस इदारे की बुनियाद डाली गई और आपके रिहायशी मकाम से ये इदारा अमल में आया. मनीषा झा के इस इदारे से आज बिहार से आने वाली कई जरूरतमंद औरतें फैजियाब हो रही हैं. मोहतरमा मनीषा झा की लगातार कोशिशों से आज ये औरतें इस दहरीना फनकारी को फख्र के साथ सीख रही हैं और इससे अपने अपने घर चला रही हैं.
मेरा मेन मोटो है टू हेल्प वुमेन फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेंस. मैंने ये सेंटर इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा कि आई कैन हेल्प पीपल. अगर आप में इंटेंशन, उसके लिए कोई ग्रांट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली, यू नो, यू आपको खाली एक अच्छा इंटेंशन चाहिए. उसी से मैं आज तक काम कर रही हूँ. एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर्ट, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स, बिकॉज आई फील आर कंट्री इज़ सो रिच इन आर्ट एंड कल्चर दैट कि कोई विदेश में मर जाए तो इतना आर्ट एंड कल्चर ना मिले, इतना हमारे पास है. गांव में बसने वाले फनकार अपने फन को माकूल जगह पे देखने के मुंतजिर रहते हैं और इसी इंतजार में कई फनकारों की जिंदगी गुजर जाती है. लेकिन मधुबनी आर्ट सेंटर के जरिए मनीषा झा ने हिंदुस्तान के कोने कोने से आए फनकारों को प्रमोट किया और उनको फरोग दिया. ऐसे ही कुछ फनकारों में से हैं चंद्रकला देवी, जिनकी फनकारी में गांव की रिवायती रंगामेजी से लेकर जदीद तर्ज की मधुबनी फनकारी का अक्स नजर आता है. इनके इस फन को पहचान दिलाने में मनीषा झा ने एक अहम किरदार अदा किया. पहले बार दिल्ली में ले ना एग्जीबिशन करेला, मेला करेला दिल्ली आर्ट, तो हिनका संगम में भेंट भेल. हिनका लकेली हम ऑटो कक ई हमरा चिन्ह लेने रहे थे. शशिकला साथे हम आयल रही प्रगति मैदान में, तो एक बेरी हमरा मिलल रहे तो हिनका चिन्ह गेलियन, इहो हमरा चिन्ह गेले तो दुनू गरा गरा में गरा मिल लेली, तब ई हमरा से चिन्ह लेले काकी काकी कह लगले, तो दुनू गरा रह लगली. तो ई हमरा एगो सादा पेपर दिलक से काकी अहाँ ई पेंटिंग आराम से बनाएब, तो हम बनेली तो तारा गाछ बनेली.